गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर बलराम पाल एंड यू आर स्टडिंग इंग्लिश एंड टुडेज टॉपिक इज वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वॉइस का। ये क्लास 9 से लेकर 12 तक इक्वली इम्पोर्टेंट है और हर क्लास 9 से 12 में आपको ग्रामर सेक्शन में, सेक्शन सी में आपको इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि वॉइस होता क्या है, कितने टाइप का होता है और एक टाइप से दूसरे टाइप में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस मतलब होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वाच्य। ये आपके लिए दो प्रकार के होते हैं वॉइस, एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है आपके लिए पैसिव। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कृतवाच, इसको बोलते हैं अपन कर्मवाच। मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी सेंटेंस जनरली टेंसेज में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन इफ अदर वर्ड्स हैं तो वो होते हैं। ये आपका एक्टिव फॉर्म है सेंटेंस का। जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। अब इसको हम यदि पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके पहले हम एक बात समझेंगे कि एक्टिव होता क्या है और पैसिव होता क्या है, इसमें एक्टिव में और पैसिव में फ़र्क क्या है। तो एक्टिव में जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपको वाक्य में सबसे पहले होता है, उससे अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है। लेकिन पैसिव वर्ब, जो पैसिव वॉइस है, उसमें ऑब्जेक्ट ही आपका प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है पैसिव में, और एक्टिव में प्रिंसिपल होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे अपन एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल राम ने किताब पढ़ी, तो राम यहाँ पर करता है, पढ़ना वर्ब है, ऑब्जेक्ट वस्तु क्या है किताब, तो किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस देखते हैं अपन, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, इसमें राम आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी मौजूद नहीं है, वो ज़्यादा उससे हमें काम भी नहीं है फिलहाल। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें कर्ता पहले है, मतलब ये जो सेंटेंस कैसा है एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले है और वो कर्ता प्रधान होता है। यदि हम इसको पैसिव बनाएंगे तो किस टाइप से उसको सोचेंगे कि राम एक किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब यदि हम कर्म को यदि यहाँ पर लाएं तो किस तरह बोलेंगे कि किताब पढ़ी जाती है राम के द्वारा, मतलब हमने फोकस कैप कर लिया पूरा बुक पे, जबकि सेंटेंस में जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें होता क्या है राम पर। तो क्या है, किताब पढ़ी जाती है राम के द्वारा, तो जो बुक है उससे सेंटेंस शुरू होगा तो वो आएगी यहाँ पर और राम पहुँचेगा यहाँ पर, वर्ब जो है वो अपने स्थान पर एज इट इज बनी रहेगी। तो हम देखते हैं कि जो हम टेंसेज में हमने देखा होगा कि उसमें हम कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले अपन सेंटेंस में देखते हैं कि पैसिव इसका बनता कैसे है, क्या इसके रूल होते हैं। रूल इसके बहुत अलग हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा आपको कि आपको लगभग एक या दो रूल में ही आप सारे जो टेंसेज के पैसिव हैं वो ईजिली बना सकते हैं। तो जैसे अपन लेते हैं कि जो अपने सेंटेंस होते हैं वो 12 टाइप के होते हैं। टेंस 3 होते हैं आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 4 अपनी होती हैं कैटेगरी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 4 बनते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। 3 बनेंगे इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी प्रकार 3 बनेंगे कंटिन्यूस में, 3 परफेक्ट में, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस में। 4×3 यानी कि 12 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सभी टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं इस टाइप से, उनके सबके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब
कौन से बनते हैं कौन से नहीं बनते हैं। 12 में से 8 के ही पैसे बनाए जा सकते हैं, 4 के नहीं बनते हैं। तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन से टेंस में किस कैटेगरी का सेंटेंस का पैसे नहीं बनता है। अपन जरा थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस में अपनी कैटेगरी हैं, 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का जो है पैसिव अपना बनता है। कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनता है, पास्ट का बनता है, फ्यूचर का नहीं बनता है। परफेक्ट के तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनता है और इसके तीनों का नहीं बनता है। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में का पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनेगा। इसको यदि हम ट्रिक के रूप में रखें याद, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी और, मतलब बी वाली हेल्पिंग वर्ब और बीन वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होती हैं दो, विल बी शैल बी, यहाँ पर होता हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन। मतलब शॉर्ट में ट्रिक याद रखें कि बी और बीन वाली हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। ऐसे सेंटेंस एक्टिव के जिनमें बी और बीन की हेल्पिंग वर्ब होगी उनका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। अब हो गए अपने 8 सेंटेंस, 3 परफेक्ट के, 3 इंडेफिनेट के और 2 कंटिन्यूस का। मतलब क्या होगा, केवल 8 प्रकार के सेंटेंस का ही पैसिव बनता है। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके 3 तो बन जाएंगे इंडेफिनेट के और 3 बन जाएंगे परफेक्ट के, मतलब अब बचे रहेंगे 2, उनकी अपन बाद में बात करेंगे, उनका भी इंतजाम करते हैं हम लोग। तो 8 प्रकार के जो आपके सेंटेंस हैं वो हम एक ट्रिक से बनाना आज सीखते हैं। बड़ी ईजी ट्रिक है, आप ध्यान से देखें, कभी भी आपको पैसिव में आपको समय या परेशानी नहीं लगेगी। आपने कई बार पढ़े होंगे, भूल जाते हैं बार बार, तो ट्रिक क्या है अपना ध्यान करना। पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये डाउन एरो, क्यों डाउन एरो लगाया मैंने आपको थोड़ी देर से बताऊंगा मैं आपको। फिर आएगी आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल की फैक्टर है। पैसिव वॉइस में आपको कैसा भी पैसिव क्यों ना हो, थर्ड फॉर्म आपकी आएगी ही आएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। उसके बाद फिर क्या आना है आपको, बाय प्रीपोजिशन ज़्यादातर आता है, फिर आपको आएगा सब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी वो आपका चेंज भी हो जाएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज होंगे ध्यान करना, नाउन जो सब्जेक्ट हैं वो कभी भी चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज होंगे, वो भी पूरे नहीं होंगे, केवल 5 होंगे। 5 वो कौन कौन से हैं, छठे हुए बदमाश, एक है आपका आई, एक है आपका वी, एक है आपका दे और ही, और है आपका शी, ये चेंज होंगे, ये होंगे चेंज। कायम होगा आय होगा मी में, वी होगा अस में, दे होगा देम में, ही होगा हिम और शी होगा हर। केवल 5, केवल 5 ऐसे प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं जो आपस में, हाँ यदि आपका जैसे मी है तो मी का क्या होगा, फिर आपका आई होगा, आई है तो मी, इसी प्रकार से वी का अस, अस का वी एंड सो ऑन। ये आपका जो ट्रिक है वो आपके क्लिक आई के लिए, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट वालों के लिए और इंडेफिनिट वालों के लिए ही अप्लाई होगी। ये डाउन एरो क्या है, ये आपको दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो आएगी लेकिन कौन सी आएगी, नीचे वाली आएगी। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी, पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटिन्यूस की, और फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक एग्जांपल के लिए अपन एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए अपन ने एक सेंटेंस लिया यहाँ से, वो सेंटेंस आपका किसी भी आपका इंडेफिनिट का या परफेक्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि ही स्टडीड इंग्लिश
सिंपल सा एक सेंटेंस लेते अपन, ही स्टडीड इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। ही स्टडीड इंग्लिश, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नेगेटिव वगैरह, यदि आपका नेगेटिव या इंटरगेटिव होता तो कौन सी आती, डिड आती। इसके नीचे कौन सा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी की कौन कौन सी है हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब। अपन देखते हैं, देखो ये अपना क्या है सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये अपनी क्या है ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला क्या है अपना, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है इंग्लिश, इसका हम पेसिव बना रहे हैं इसका इंग्लिश, इंग्लिश अपना आ गया ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इस टेंस के नीचे वाली आएगी, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पर कौन कौन सी थी, वाज और वर। अब इंग्लिश में वर तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पे वाज, बस केवल हेल्पिंग वर्ब यदि आपने लगाना सीख लिया, ध्यान करना आठ के आठ पैसे आपके एक से बनते हैं, अंदर काय का आता है ओनली हेल्पिंग वर्ब को आता है। तो इंग्लिश वाज थर्ड फॉर्म क्या है स्टडी की, जो सेकेंड है वही थर्ड है, स्टडीड की स्टडीड होती है, ठीक है। अब क्या है अपना बाय, बाय और फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या है इसका सब्जेक्ट, क्या है इसका सब्जेक्ट, ही क्या इन पांचों में से है, यस ही इन पांचों में से ही है, इसका क्या होगा हिम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन हिम, आपका पैसिव तैयार है। इसी प्रकार मान लीजिए यदि यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, क्या होता प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो क्या लगा दिया अपने यहाँ पे स्टडीज, डी आई ई एस लगता है वहाँ पे, लगता है ना स्टडीज में, तो आई ई एस लगता, इसका मतलब कौन सा है कि ये जो है आपका कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके नीचे कौन सा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी कौन कौन सी होती है इज आर एम, तो इंग्लिश सिंगुलर तो क्या लगता है यहाँ पे इज, तो इसका पैसिव कैसे बनता, इस टाइप से बनता। अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो यहाँ पर क्या होता, ही विल स्टडी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है ही विल स्टडी इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या आता फ्यूचर इंडेफिनेट है, नीचे क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी, तो यहाँ पर आ जाता क्या आ जाता विल बी, क्योंकि फ्यूचर में कंटिन्यूअस में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी। तो आपके तीन टाइप के आपके जो इंडेफिनेट हैं उनके इस टाइप से पैसे बनेगा। मान लीजिए ये यदि परफेक्ट में होता, क्या में होता परफेक्ट में होता, तो उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब हैज और थर्ड फॉर्म आता है इसमें स्टडीड। परफेक्ट टेंस के पैसे बनाने में एक शब्द ये है, क्या है कि इसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दी गई होगी, आपको थर्ड फॉर्म में आपको कोई ज़्यादा हार्ड वर्क सोचने में या नहीं करना है या कोई आपको डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हैज स्टडीड इंग्लिश है। अब नीचे क्या होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा आपका हैज बीन। देखो तब से मैं केवल यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं सबका पैसे बोल के भी बन रहा है, अंदर काय में आ रहा हूँ ओनली हेल्पिंग वर्ब का। यदि यहाँ पर मान लीजिए हेड होता, यहाँ पर होता हेड, तो यहाँ पर क्या आ जाता हैड बीन आ जाता। और इसी तरह यदि विल हैव होता तो यहाँ पर विल हैव बीन हो जाता। मतलब आपको छः, तीन इंडेफिनेट के और तीन परफेक्ट जो हैं आपके, उनके तीन तीन सेंटेंस, मतलब छः प्रकार के सेंटेंस आपको इसी फॉर्मूले से इसी ट्रिक से आपके बन जाएंगे। अब बचे अपने कौन से दो सेंटेंस, कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या दिक्कत है, देखो उसमें भी अपना ज़्यादा अपने हैरान नहीं होना है। उसमें क्या होगा कि उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी लेकिन कौन सी आएगी, नीचे वाली नहीं आएगी, उसी टेंस की आएगी, और साथ में क्या जुड़ जाएगा आपका बीइंग जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा बीइंग। जैसे अपने एक सेंटेंस होता है ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, तो इसका पैसा कैसे बनेगा, इंग्लिश अपना पहले भी था तो वही रहेगा, इसमें वही जब टेंस आएगा यानी इज साथ में बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ेगा, थर्ड फॉर्म उसमें भी आएगी स्टडीड बाय ही का क्या हो जाएगा हिम। अगर यहाँ पर मान लीजिए वाज होता पास्ट में होता तो क्या रहता, यहाँ पर अपन क्या कर देते वाज बीइंग। तो इस प्रकार से हमारे आठ जो आपके सेंटेंस हैं जिनका पैसे बनता है वो कंप्लीट हुए। और इसमें आगे का जो आपके ट्रिकी वाले और टाइप के पैसे हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने नोट्स बनाते रहें और देखते रहें। धन्यवाद।